اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حجاج اکرام سے گزارش ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کے سفر کی دعا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا الى ربنا لمنقلبون تو ہے اکرام انشاءاللہ ہمارا جو پہلا مقام ہوگا زیارت کا اترنے والا وہ مسجد کبہ ہوگا جو نزدیک رکھتے ہیں زیارتیں ان انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو میں مختصر بتاتا جاؤں گا تو ہے پہلے مدینہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا دکھوں والا شہر आगे रख यहाँ देखो यहाँ रखो ढलन हाँ रखो रखो ढलन आ गया यहाँ जो पानी देखो वो बोतल जा रही है ऊपर देख पानी नीचे देखो वो बोतल जा रही है देख ये देखो ये दिख रहा है ये नहीं तो एंटी स्लोप जा रहा है स्लोप के साथ ही जा रहा है अब ये बोतल हमने यहाँ रखी है अरे वहाँ रखो वहाँ Thank you.
Ibrahim. पानी नाल फुल करो बोतल ओ साइड में खड़े रहो ओ अब्बा साइड में खड़े रहो देखो वो बोतल देखो वो बोतल देखो आ जा देखो सलीम भाई ओ सलीम भाई देखो इसकी स्पीड देखो चलो मैं दो मिनट कॉल बैक कर रहा हूँ भाई किसका पैसा बाकी है ले लो आगे पकड़ लो इधर कर लो आगे हां वो एक और है 50 भाई किसका है पैसा शाम का 50 और किसी का हो तो लेन देन कर सकता है भाई सारी लेडीज को एक साइड लग लो एक जेंट अरे ओ मसर साहब तुम जेंट्स लोग को ले लो मस्जिद जिसकी बुनियाद आसन अपने दस्ते मुबारक से रखी ये मस्जिद कुबा है सामने आप देख सकते हैं मस्जिद कुबा ये नज़र आ रही है इस्लाम की पहली मस्जिद इसकी बुनियाद आसन अपने दस्ते मुबारक से रखी जब मस्जिद बनकर तैयार होगी तो मदीना के लोग खिदमत में हाजिर हुए कहने लगे यासल्ला मक्का के लोग तहज भी करते हैं उमरा भी करते हैं दुआ भी करते हैं सही भी करते हैं गारे अरा गारे सौर यारसल्ला सब कुछ उनके पास है वो स्वाब में नेकियों में अजर में हमसे ज़्यादा आगे चले जाते हैं यारसल्ला हमें भी कोई ऐसा अमल बताएं कि हम भी उनके जितना स्वाब हासिल कर सकें तो आपने फरमाया कि जो शख्स अपने मकाम से मस्जिद कुबा में आकर दो रकात नमाज पढ़े जितना मस्जिद कुबा के नाम से अदा करेगा उसे मकबूल उम्र का स्वाब मिलेगा तो ये था इकराम इस्लाम यहाँ से आ जाओ जाओ और इसी के साथ ये रेड कलर की दीवार नजर आ रही है यहाँ पे आके छुपा कर मैदान हुआ करता वाकई पर तमाम का इलाका कहा जाता है मदीना पाक में जब कोई बीमारी आई सर अच्छे बारे में आपसे बताऊंगा
ये इस जगह इस रोड का भी हम गुजर रहे हैं बनकार बन बजार का बजार यहाँ लकड़ी के काम करने वाले को कहते हैं। जब आप मक्का से मदीना की निकले तो मदीना की छोटी छोटी बच्चियों ने आपसे हमारा इस्तेमाल किया। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله يا مولانا ربنا 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 Yeah.
गया भाई, हो गया हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, लड़ जाओ जितना के दम लेकर हो जाएगी ज़ियारत। अगर वादी जिन जाना है तो 15 रियाल एक्स्ट्रा पर पर्सन लेगा, वादी जिन की ज़ियारत करा देगा। इतने सस्ते में दूसरी जगह जाओगे नहीं, 150 रुपये के नीचे कोई लेता नहीं है। सोच लो, अगर देना है जवाब तो फटाफट दे देना। हाँ, दस सही है, दस सही है, मैं तुम्हारे साथ, दस सही है, दस बोले 200 रुपया हो गया, सब सब तैयार, दस बोले तो 200 रुपया हो गया, दोनों जगह पे जाना, एक जगह तो बाकी है, तो निकाल, हो सके तो वापस भी दे दो, दस रुपया हथियार दे दो, कर नहीं सकते है ना। चलो भाई, 10 रियाल में जाएगा वादी जी, जाना है जल्दी, हाथ उठा करो फटाफट, हाथ उठा करो भाई। जाओ मस्जिद बना दी गई है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी जगह पे शहीद किया गया। आपको 40 दिन भूखा प्यासा रखा गया और आप जब आपको शहीद किया गया, आपके खून के छींटे जो है कुरान पाक पढ़े, आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे उस टाइम। तो एक नाम ये हरम का 6 नंबर गेट लगता है। कौन सा 6 नंबर गेट लगता है? आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ ये ज़ियारत मिलेगी आपको, मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, मस्जिद ज़ुन्नूरैन।
तो हज कराम 100 साल पहले यहाँ पे तुर्कियों की हुकूमत हुआ करती थी, जहाँ पे सहाबा कराम के घर हुआ करते थे उनके नाम से वहाँ मस्जिदें बना दी गई। ये देख सकते हैं, नजर आ रही है ना। तो हज कराम इसी के साथ आगे सामने देखेंगे मस्जिद गमामा है, ब्लैक कलर के पत्थरों वाली मस्जिद सामने आगे देखेंगे। ये हरम का 6 नंबर गेट लगता है इंशाल्लाह। इसके बारे में आप जितनी भी ज्यारतें नजदीक वाली उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो मेन चीज ज्यारतें हमारी आएंगी आगे, तो उनके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, गाइड करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको लारेब टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से हमारे को यहाँ मदीना शरीफ की ज्यारत पर ले जाया जा रहा है, और ये बस लारेब वालों ने इंतज़ाम करी है, और जितनी भी मदीना शरीफ के अंदर सारे के सारे ज्यारत की जितनी जगह हैं वहाँ पर आपको आज ज्यारत कराएंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीम। ये हमारे साजिद साहब हैं, हमारे मेहमान हैं बम्बई के। ये हमारे हाफिज़ कुरान साहब हैं, ये हमारे गुजरात के मेहमान हैं। इस तरीके से आज आपको हम पूरे मदीना शरीफ की इंशाल्लाह ज्यारत करवाएंगे।